दक्षिण दिल्ली नगर निगम का मंगलापुरी वार्ड और इस वार्ड से निगम पार्षद है आम आदमी पार्टी के नरेंद्र गिरशा। दिल्ली सरकार कहती है कि दिल्ली में विकास हो रहा है, तो दिल्ली सरकार के विकास की एक छोटी सी झलक मैं आपको यहां पे दिखाने जा रही हूं। आप देख सकते हैं कि ये जो वार्ड है ये आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद नरेंद्र गिरशा का है और इस गली की हालत को देख कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली में किस तरह से और कितना विकास हो रहा है। ये गली आज से नहीं, लगभग कई सालों से इसी तरह से है, टूटी फूटी हुई है और यहाँ के लोग पिछले कई सालों से इसी नरक में जीवन जीने के लिए मजबूर है। यहाँ पे लोग हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि कितनी परेशानी से वो अपना जीवन बसर करते हैं, बताइए कितनी दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती बेटा, यहाँ तक पानी भर गया था, घर में भी पानी भर गया था मेरा, हाँ फिर मतलब बहुत मुश्किल होता, मुझे तो ज़्यादा ही वो था, मेरा यहीं पर भरता ज़्यादा पानी है, अंदर भी मेरा पानी भर गया था आज, तो क्या करें। ये बताइए, एंटी निगम पार्षद आते हैं यहाँ पर, कोई विधायक आता है कभी, कुछ नहीं आता, कोई नहीं आता यहाँ पे, वोट लेने के लिए, वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेने के लिए तो आते हैं, पर बाकी मतलब जब हम ही जाते हैं वहाँ तब ही, जब हम जाते हैं ना उसके पास तब ये काम होता। अच्छा, हाँ। गली कब से नहीं बनी, कितनी दिक्कत अब आने जाने में, बहुत साल हो गए भाई, कितना साल हो गया, 20 साल से तो ऐसे, हाँ और क्या, 20 साल से ऐसे बह रहा है मतलब, है ना, तो बहुत दिक्कत है बेटा। हाँ, कैलाशपुरी अट्रैक्शन निगर पार्षद नरेंद्र गिरजा, ये तो 20 साल से, आज से नहीं है, ये काफ़ी दिनों के जो आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो पैर छूने के लिए कहोगे तो पैर भी छू लेंगे वो, लेकिन वैसे वोट देने के बाद कोई भी नहीं आ रहा, वहाँ जाके चक्कर काटते हैं तब भी नहीं आते यहाँ पे, यहाँ कुछ काम कराएंगे तो ये कहेंगे तुम गलत काम करवा रहे हो, सीवर का पाइप डलवाए वहाँ तक, तो कह रहे तुमने सीवर का पाइप क्यों डलवाया, कल को ये सीवर भर जाएंगे, ये कर जाएंगे, आज ये गंद इतना भर रहा है तो क्यों नहीं आ रहे देखने यहाँ पे, कोई नहीं आता यहाँ पे देखने, वोट लेने आते हैं कि हमें देना है, तुम्हें इनको जिताना, भाई को इनको ये करना, उसके बाद कोई दूसरा आगे देख के राजी नहीं यहाँ पे, कैसे क्या करोगे, किसी को भी मत दो वोट, जब नरक में जीना है तो नरक में जी लो वैसे ही। जो लोगों की स्थिति है और जो लोगों का दर्द है वो साफ यहाँ पर देखा जा सकता है। इनका कहना है कि कई नेता यहाँ पर आते हैं और कहकर जाते हैं कि इलाके की जो सुध है वही लेंगे, हर पार्टी आती है लेकिन सुध नहीं ली जा सकती। यहाँ महिलाओं का कहना है कि काफ़ी दिक्कत होती है और यहाँ पर एक बुज़ुर्ग महिला आती जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि जब बारिश आती है तो उनके घर के अंदर तक पानी भर जाता है, ऐसे में इस नरक में आखिर वो अपना जीवन कैसे बसर करे। और लेकिन ऐसे में एक सवाल उठना लाजमी है, क्या यही है दिल्ली का विकास और यही है नगर निगम के बड़े बड़े दावे। कैमरा पर्सन जिशान के साथ मैं चेतना चौधरी, नेशनल लाइव दिल्ली।